हेलो गाइस, तो मैं आया हूँ यहाँ पे ऑफ रोडिंग ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पे आप रास्ता देख लो, पहले ना यहाँ से कार ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये ना पूरा कच्चा ही कच्चा, यहाँ पे कोई रोड वगैरह नहीं और गाड़ियाँ बहुत मुश्किल ही यहाँ आती हैं, ठीक है। तो यहाँ से रोड आगे जा कर के, वहाँ से जा कर के पूरा, तो ये रास्ता आप देख रहे हो, ये यहाँ से ऐसे जा कर के, वहाँ जा कर के, और वो जो रास्ता है ना वहाँ ऊपर, वहाँ तक ये रास्ता जाता है। और जो वो है ना चढ़ाई, वो बहुत कम गाड़ियाँ चलती है। मैं एक बार मारुति 800 लेके आया था, वो तो चढ़ गई थी, इसका मेरे को पता नहीं। ये जो रास्ता है ना, मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये जो रास्ता है ये यहाँ तक जाना है। तो देखते हैं कि मतलब क्या हो पाता है। मेरे को तो डर लग रहा है, अगर बीच में फेल हो गया ना तो फेल हो गया। उसके लिए मुझे मत कोसना कि भाई तुम कर नहीं पाए, मैं हैवी ड्राइवर नहीं हूँ। वो मैं पहले ही बोल देता हूँ, मैं किसी टाइप का हैवी ड्राइवर नहीं हूँ, मैं बस एक ट्राई देने वाला हूँ। और सूखा है और शाम भी होने वाली है, तो चलिए ट्राई करते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, लेकर के जाते हैं इसको नीचे, बैठते हैं इसके अंदर। तो आ गया हम इसके अंदर, करते हैं स्टार्ट। यार न्यूट्रल प्लस स्टार्ट, तो यहाँ हो गई है स्टार्ट। सीट बेल्ट मैंने नहीं पहनी है, कोसना मत, यहाँ पे मैं नहीं पहनने वाला, क्योंकि शीशे कर लेता हूँ नीचे। और चलते हैं यहाँ पे। ओ, आराम आराम से ही लेके जानी पड़ती है यार, रास्ता बहुत खराब है। अब रास्ता खराब कितना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आगे गड्ढे हैं, ठीक है। और जब बारिश होती है ना तब तो बहुत ही बुरा हाल होता है यार यहाँ पे। लाइक ये देखिए, कार पूरी नीचे चलेगी। अच्छा ये देखो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, बहुत आराम आराम से निकालनी पड़ती है। अच्छा एक चीज़ है, इसका ना सस्पेंशन सेटअप बहुत सही है यार। जितने बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं ना, उतने ज़्यादा बड़े अंदर ये फील नहीं होते। लेके चलते हैं इसको यहाँ से। गाइज एक बार ना गाड़ी को ऊपर लेके जाने से पहले, जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, जो मतलब यहाँ के लोकल लोकल लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, मैंने उनसे बात की, तो वो कह रहे हैं कि वो भी यहाँ पे कार जोन करते हैं, लेकिन वो कार्स को ना कभी यहाँ से ऊपर लेके नहीं गए, सिर्फ मोटरसाइकिल या स्कूटी वगैरह लेके गए हैं कहते। और कहते कि अगर आप लेके जा रहे हो तो अपने रिस्क पे लेके जाओ, यहाँ पे ट्रैक्टर वगैरह भी कोई निकालने नहीं आएगा। और ऑब्वियसली बात है, रहने का सर्विस स्टेशन तो यहाँ पे है नहीं यार। तो मैं ये सोच रहा हूँ ऑफ रोडिंग, मतलब मैं चले भी जाऊँगा ऊपर तक लेके जाने की ट्राई करूंगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि वहाँ से ना गाड़ी आपकी ऊपर नहीं जा पाएगी, वहाँ तक आप फिर भी ले जाओ, फिर वहाँ से रिवर्स करने की बहुत दिक्कत है, वहाँ से आपको रिवर्स करके पूरी बैक लानी पड़ेगी। तो दिक्कत ही है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा, ट्राई जरूर करूंगा मैं वहाँ तक लेके जाने की। तो वही कह रहे हैं कि हुंडई वेन्यू को लेकर के गए थे, उसका सस्पेंशन टूट गया था यार ऊपर ही, फिर कार को नीचे लेके आना बहुत मुश्किल हुआ। टोइंग व्हीकल भी कोई ऊपर तक जा नहीं सकता, तो बहुत दिक्कत हुई थी। तो मैं रिस्क तो लेना नहीं चाहता, एक तो रहनो है, ठीक है, यहाँ से मेरे घर से 180 किलोमीटर तो दूर है सर्विस स्टेशन, लेकिन मैं ट्राई करूँगा। अगर मेरे को थोड़ा सा भी रिस्क लगेगा ना तो मैं नहीं करूँगा ऑफ रोडिंग की। फिर अगर यहाँ पे ऑफ रोडिंग नहीं हो पाई ना, तो मैं किसी और जगह पे जा करके ट्राई करूँगा ऑफ रोडिंग की, मतलब जहाँ पे इतना रिस्क ना हो कि कार खराब हो जाएगी या वैसा कुछ, तो एटलीस्ट ट्राई करते हैं। चलिए
एक बात बोलूँ, ये ना रास्ता बहुत अजीब है। लाइक मैंने फ़ोन को थोड़ा सा अपने आई लेवल से भी ऊपर रखा है, तो आप लोग देखते रहना। यहाँ से ना खड्डे हैं, इधर से लेके जाते हैं। यार गाइज, मैं सही बात बोलूँ तो मैं एक हैवी ड्राइवर वगैरह कुछ नहीं हूँ, जस्ट ट्राई कर रहा हूँ कुछ नया करने की, पर मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये गाड़ी यहाँ जा पाएगी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ट्राई करें या ना करें, सोच रहा हूँ यहाँ पे ही बंद कर देता हूँ। जैसे ये रोड्स देखिए आप, यहाँ से लेके जाऊँ, एक तो पहली बात ही चढ़ाई है, अगर अटक गई ना तो अटक गई। चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ से आना गाइस बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि गाड़ी की विड्थ भी ज़्यादा है, गाड़ी का व्हील बेस तो बहुत लंबा है। चाहे आप ग्राउंड क्लियरेंस इसमें कंपनी ने 182 mm की दे रखी है, 184 mm की दे रखी है, लेकिन नहीं पॉसिबल है। मतलब इतना लंबा व्हील बेस, सिडान से भी लंबा व्हील बेस है, ठीक है। तो 180 जो है वो उतना काम नहीं करती। मतलब गड्ढे देखो यार, इतने बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। मतलब ये गड्ढा है ना, ये मेरा पाँव, यहाँ से लेकर के गड्ढा है, यहाँ से लेकर के नीचे तक गड्ढा है। ये हो गए पत्थर, फिर जहाँ से मैं पहली बार ला रहा था कार को, अब आप ध्यान से देखना, यहाँ से मैं कार को ला रहा था, ठीक है, यहाँ से इतना बड़ा गड्ढा है यहाँ पर। अब ये चेक करो आप कितना बड़ा गड्ढा है, मतलब ये लो, यहाँ से ये लो मेरा लेवल, ठीक है, ये रहा रोड का लेवल, इतना बड़ा गड्ढा। अगर कार का एक भी टायर यहाँ पे गलती से फंस गया ना, मैं कहाँ से लाने की ट्राई कर रहा था, एक टायर यहाँ से दूसरा टायर उस साइड से, लेकिन फिर आगे जाके प्रॉब्लम क्या आती है, उधर से ला रहा था तो वो आगे उसी साइड पे पत्थर है, इतना बड़ा गड्ढा है, वहाँ से कार ने निकलना नहीं था। और अगर यहाँ से गलती से भी टायर फिसल जाता, कार तो गई थी, बम्पर भी उड़ा था, कार का सब कुछ उड़ा था। टाटा की गाड़ी तो है नहीं कि कुछ उड़ेगा नहीं। यही सेम चीज़ यहाँ पे, मतलब बस ये पैच है, मतलब ये गड्ढा है ना, ये गड्ढा है, तो ये पैचेज हैं जहाँ से हम कार को ला सकते हैं, जहाँ पे मेरे पाँव हैं, तो इतना बड़ा गड्ढा है ये। अच्छा ये देखो, मेरा एक पाँव है और ये दूसरा पाँव है, इतना बड़ा गड्ढा है। अब यहाँ से कैसे लाऊँ मैं, हालांकि वहीं से लाऊँगा, ट्राई करते हैं, मतलब साइड से वहीं से लानी पड़ेगी, यहाँ यहाँ से, यहाँ यहाँ से। अब यहाँ से फिर प्रॉब्लम आ जाएगी यार, बच जाएगी नीचे से, गारंटेड बच जाएगी। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, देखो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, इतना बड़ा गड्ढा है, यहाँ से जाने नहीं वाली, इस साइड से जाने नहीं वाली, ये बीच में गड्ढे। ये चीज़ है कि अगर मैं इसको यहाँ से लाऊं, मतलब वहाँ से ला करके फिर इसको यहाँ से लाऊं,
तो भाई आप रोड की कंडीशन देखो, वहां से हम पूरी कार को लाए हैं ठीक है, और यहाँ खड़ी की है, और यहाँ पे शायद आपने मारुति की एक की देखी होगी, वो जो अगला पैच है ना ये, जहाँ पे वो भी आंटी चल रही है, ये वाला पैच जो है, यहाँ से ट्राई पर नहीं जाएगी, यहाँ से पक्का नीचे लग जाएगी, क्योंकि इसका व्हील बेस बहुत लंबा है और जो भी है नहीं लगेगी। मारुति वहां से इसलिए चली गई थी क्योंकि मारुति का व्हील बेस जो है बहुत कम है, ना के बराबर तो उसका व्हील बेस है, ना के बराबर नहीं, व्हील बेस तो है लेकिन फिर भी। और भाई इन रोडों से लाए हैं इसको, तो मेन चीज क्या हुई ठीक है, यहाँ पे मेरे को लगा कि शायद अंडर बॉडी टच हो जाए, लेकिन नहीं हुई, थोड़ी सी डेप्थ है यहाँ पे। जो मेन चीज थी ना वो थी आगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जो मेन डर था वो था ये, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, मेन चीज इसका था। और यहाँ से मैं ड्राइवर को लेके आया हूँ, हालांकि मतलब 4x4 तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे ये अभी फिर भी थोड़ी मरम्मत हुई है, पहले बहुत बहुत बड़े बड़े थे, अब आप ये चीज देखो कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ से लाया हूँ मैं मतलब कार को लाया हूँ, वो भी अभी आ गई, एक टाइम तो ऐसा आता है जब यहाँ से यहाँ पे कार आ ही नहीं पाती। ये देखो बाकी आप ये चीज़ देखो, पत्थर देखो कितने बड़े बड़े हैं, ये कहीं पे भी अंडर बॉडी पे लग जाए, ये देखो कितना बड़ा बड़ा है भाई साहब, इतने बड़े हैं, ये कहीं पे अंडर बॉडी पे थोड़े से भी लग गए ना भाई साहब, कार कहीं जाने लायक नहीं होगी। इसको छोड़ो, ये देखो आप, ये देखो यहाँ से लाए लेके आया मैं ड्राइवर, हालांकि साइड पे रोड है लेकिन फिर भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत हाई चांसेस होते हैं, और ऊपर से है भी यहाँ पे चढ़ाई, चढ़ाई पे लेके आया हूँ, ढलान में तो फिर थोड़ा इजी रहता है। रास्ते बहुत ना वीडियो में देखने में तो बहुत ऐसे लग रहे हैं छोटे, लेकिन जो अंदर तक बम्प्स पहुंचे, देखो बम्प्स जो पहुंच रहे हैं ना अंदर तक, वो गजब ही है। अब ये देखो आप, मतलब यहाँ से जो गाड़ी लाने का जो वो था ना, बहुत ही मतलब बंदा तो डर ही जाए गाड़ी के अंदर बैठ के, वो भाई साहब मतलब गजब ही रोड है। मैंने तो ऑफ रोडिंग ट्राई करी है लेकिन डर लगता है यार बहुत, क्योंकि यहाँ पे अगर रेनो जैसी गाड़ी, मतलब रेनो जैसे ब्रांड की गाड़ी अगर यहाँ पे खड़ी हो गई ना, यहाँ से मतलब 250 किलोमीटर आपको टो करके लेके जानी पड़ेगी, 10,000 का आपका खर्चा वहीं पे आ जाएगा बस। तो बहुत ही ध्यान से ये चीज़ें देख तू देख करके ना फिर ही ट्राई करें, ऐसे तो बिल्कुल भी ना करें, मैं तो बस आपको कैपेबिलिटी दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ भाई। और एक चीज़ मैं बताऊँ, जिन गाड़ियों की राइड एंड हैंडलिंग बहुत अच्छी होती है ना, जैसे इसकी अच्छी है, ये आपको अंदर ज़्यादा बम्स फील होने नहीं देंगे, लेकिन बाहर से सस्पेंशन की ऐसी की तैसी हो जाएगी, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा करें। अंदर अगर आपको बम्स फील नहीं होते हैं ना, तो ज़्यादा तेज़ ना चलाएं ठीक है। ओ भाई लाइक आप देखो पीछे से कितनी आवाज़ आई, मतलब जो पिछला सस्पेंशन है वहाँ से कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आई, तो ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, मतलब ऐसे रोड्स पे ना कार ज़्यादा तेज़ ना चलाएं, जितना ज़्यादा पेशेंस हो उतने ज़्यादा मतलब पेशेंस रख करके ना चलाओ गाड़ी बस। मैं जल्दी आपके लिए ड्राइव रिव्यू वगैरह भी लाऊंगा कि पहाड़ों में कैसे चलाएं, ऑफ रोड पे कैसे चलाएं, मतलब इन रस्तों पे कैसे चलाएं कार, मैं ये लाऊंगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस लाऊं आपके लिए ठीक है, जो थोड़ी ड्राइविंग से ड्राइविंग स्किल्स के रिलेटेड हो, तो वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वैसी वीडियोज़ ज़रूर लाऊंगा जल्दी। और बाकी तो यही है, अब यहाँ पे रोड्स का है बस, लेकिन मैं खुश हूँ कि कुछ हुआ नहीं और कर लिया, मतलब जैसे जैसे ऐसी मैं और भी ऑफ रोडिंग वीडियोज़ लाऊंगा, थोड़ी ये उस लेवल की नहीं है बट स्टिल इसमें सस्पेंशन चेकअप बहुत तगड़ा होता है कार का, तो मैं और भी अच्छी वीडियोज़ लाऊंगा आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे थोड़ा हौसला दो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको, आप लोगों को कैसी वीडियोस चाहिए ठीक है, कहाँ चाहिए, मैं कहाँ इस कार को लेकर के जाऊँ, आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, तो वो चीज़ बताओ। जब आप लोग अपना मेरे को फीडबैक दोगे ना, तो फिर ही मुझे जो है मोटिवेशन मिलेगी और मैं वैसी वीडियोज़ लाऊंगा। तो यही था गाइस इस वीडियो में।